राजधानी में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। अंबेडकर जयंती समारोह समिति की ओर से जयंती के पूर्व संध्या पर अंबेडकर सर्किल पर संविधान कथा का वाचन होगा। इसे लेकर के समिति अध्यक्ष और पूर्व आईएएस एलसी असवाल ने बताया कि बाबा साहेब की जयंती प्रदेश भर में धूमधाम के साथ मनाई जाएगी और महाराष्ट्र से आए कथाकारों के माध्यम से अंबेडकर के जीवन से लोगों को अवगत करवाया जाएगा। साथ में पूर्व संध्या पर अनुसूचित जाति का महासंगम होगा। उन्होंने कहा कि समारोह में शिरकत करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी निमंत्रण भेजा गया है। उन्होंने समारोह के दौरान 2 अप्रैल को हुए घटनाक्रम में उन लोगों को सम्मानित करने का भी ऐलान किया है जिन पर पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था। बाबा साहब डॉक्टर के 128वीं जयंती पर हम डॉक्टर अंबेडकर कथा और अंबेडकर जी के दिनचर्या को पूरा वर्णित दिखाएंगे और संविधान का वाचन करवाएंगे। महाराष्ट्र और नागपुर से कथाकारों को हम बुलाएंगे और वो कथाकार इसका जीवंत वर्णन करेंगे और संविधान को वाचेंगे, लयबद्ध तरीके से सुनाएंगे। तीसरा, जो लोग 2 अप्रैल को जो संविधान सुरक्षा सैनिक जिनके साथ में ये इस संघर्ष में केस वेस हो गए हैं उनको हम देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।